हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त निखिल चौहान करंट इशू लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक क्या है। देखिए, कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत हिंसा हो रही है। ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले भी बांग्लादेश में हमला होते थे हिंदुओं पर, लेकिन ये कुछ समय बाद रुक जाते थे। लेकिन अभी कुछ समय से ये लगातार हो रहे हैं हिंदुओं पर। और हमारे मंदिर हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर हुआ, अभी कुछ समय पहले हनुमान जी के मंदिर पर अटैक हुआ था। और ये सभी जो हमले हैं, ये बहुत उपद्रवी है, बोल सकते हैं हानिकारक तत्वों द्वारा किए जा रहे हैं। ये प्री प्लान भी हो सकता है। और ये जो हमले हैं, ये दुर्गा पूजा या रामनवमी अष्टमी से चालू हो गया था। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत हिंसा लगातार हो रही है। और जो बांग्लादेश के पीएम हैं, उन्होंने भी ये साफ किया है, जो भी हिंदू पे हिंसा कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्स ना, जो भी उनसे हो सकता है वो करेंगे। और इस पर कुछ समय पहले ये यूएनए का भी, यूनाइटेड नेशन का भी बयान आया है कि इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। देखिए, जो ये हिंसा हो रही है, देखिए बांग्लादेश में 19 करोड़ जनसंख्या है टोटल, जिसमें 1 करोड़ हिंदू है। तो ये वहाँ के कानून के खिलाफ भी है। मतलब बोल सकते हैं कि हिंदू पे हिंसा यहाँ पे बहुत गलत हो रही है। जो उपद्रव भी है, बोल सकते हैं हानिकारक तत्व, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा, ये पूरा मामला था। अब देखिए, हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वे इसमें इन्वॉल्व हो। और जो हिंसा हो रही है हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों पे, तो इन सबको रोका जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोका जाए। तो ये हमारे लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बांग्लादेश की हालत भी धीरे धीरे पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है। तो इसको, जो बांग्लादेश सरकार है, इस पर रोक लगानी चाहिए। और जहाँ वहाँ के हानिकारक तत्व हैं, उनको जल्दी जल्दी पकड़ना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान न बन पाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म कंट्री है और वहाँ पर ये कानून है। तो इसलिए भारत सरकारों को इसमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा और इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इसके विरोध में हमारे भारत में, जैसे मणिपुर हुआ, कोलकाता हुआ, बहुत सी जगहों पर प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। हिंदू सेफ, हिंदू मंदिर सेफ, जैसा कि आप हमारे थंबनेल पे भी देख सकते हैं, प्लीज सेफ हिंदू इन बांग्लादेश। तो हम यही भारत सरकार से और बांग्लादेश सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हिंदू के लिए जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, हमारी नवोदय की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आपको रीजनिंग प्रोवाइड करा चुके हैं। अब जो कुछ समय बाद मैथ की सीरीज आने वाली है, नवोदय 6 मैथ, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आपको प्रैक्टिस की जाएगी। यदि आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल। यदि आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी पता है कि सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसमें टर्म 1 का जो भी सिलेबस है वो भी कवर किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एनीथिंग। थैंक यू, धन्यवाद।